हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृष्णा कंसेप्चुअल क्लासेस। कंटिन्यूइंग विद चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। इसमें क्या दिया हुआ है दैट यूजिंग द थ्योरम 6.1। तो थ्योरम 6.1 कौन सी है हमारी? बीपीटी थ्योरम। प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। मतलब एक साइड ले लेते हैं कोई भी, सपोज ए बी ले ली, इसका मिड पॉइंट है ये वाला पॉइंट बी। So, इस पॉइंट बी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। मतलब या तो इस साइड के पैरेलल है या इस साइड के पैरेलल है, दोनों में से किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करी है। तो लेट्स से बीसी के पैरेलल ड्रॉ करी है, तो बीसी के पैरेलल एक ये लाइन ड्रॉ करी है हमने। दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी एंड लेट दिस पॉइंट बी ए ई। So, parallel to another side bisects the third side. तो हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है यहां पर? वी हैव टू प्रूव दैट ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये प्रूव करना है हमें, और ये किसकी हेल्प से प्रूव करना है? थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम की हेल्प से प्रूव करना है। आपने, आपको याद आ रहा होगा ऐसा कुछ आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, और बी सी के पैरेलल है, तो ई शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए इज इक्वल टू ई सी का मतलब क्या है? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही चीज हमें प्रूफ करनी है, लेकिन इस बार ही हमें प्रूफ करना है बीपीटी थ्योरम को यूज करके। तो देखो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि क्वेश्चन में हमें जो पढ़ के समझ आया है हमें गिवन क्या है। गिवन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये भी हमें गिवन है। मतलब ए डी इज इक्वल टू बी डी। क्यों? बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। दिस इज गिवन टू अस। अब बहुत इजी सॉल्यूशन है। थ्योरम 6.1 क्या कहती है? ये कहती है कि एक ही ट्राइंगल है यहां पर, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम ए डी अपॉन डी बी शुड बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्यों? बिकॉज अ लाइन इन अ ट्राइंगल, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो अगेन मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय बीपीटी थ्योरम, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब हमें क्या पता है? ए डी और बी डी आपस में इक्वल है, इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ई सी को उधर ले जाओगे तो ई सी इज इक्वल टू ए ई, दिस इंप्लाइज ए ई इज इक्वल टू ई सी। प्रूफ क्या करना था? ए ई इज इक्वल टू ई सी, हेंस प्रूव्ड। यस, इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन आसान कब था? जब इस क्वेश्चन को समझ के आपने ये टू प्रूव और गिवन आइडेंटिफाई कर लिया। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, तो आसान क्या, कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, बिल्कुल इससे ऑपोजिट क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहली चीज तो दी हुई है, उसमें हमें यूज करनी है थ्योरम 6.2। तो थ्योरम 6.2 क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है। अब उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? उस क्वेश्चन में हमें दिया क्या प्रूफ करना है और क्या दिया हुआ है? उधर हमें टू प्रूफ है, फिगर सेम है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप। उसमें बोला गया है कि प्रूफ दैट अ लाइन, दिस लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी व्हेन D and E are the midpoints of AB and AC। उसने हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है
कि आप प्रूफ करो कि एक लाइन जो एक ट्रायंगल की दो साइड्स को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है मतलब उसके मिड पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे करोगे इसमें, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे ए डी अपॉन बी डी, दिस विल बी इक्वल टू वन क्योंकि ए डी और बी डी आपस में इक्वल है। अगेन ए ई अपॉन ई सी क्या होगा, ये भी वन होगा क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट, तो ए ई अपॉन ई सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू वन, तो देयर फोर ए डी अपॉन बी डी विल बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, और क्योंकि ये इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो यहां पर बहुत छोटा सा सेम फिगर थी, सेम कॉन्सेप्ट था, सब कुछ सेम था, इसीलिए बहुत छोटा सा मैंने करके दिखा दिया, आपको करना इसी तरह से है। टू प्रूव में चेंज हो जाएगा डी इज पैरेलल टू बी सी, गिवन में आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी डी एंड ए इज इक्वल टू ई सी। सोल्यूशन में आप करोगे ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू वन, ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू वन, देयर फोर दिस इज इक्वल टू दिस, देयर फोर इन ट्राइंगल ए बी सी since AD upon DB is equal to AE upon EC, therefore DE is parallel to BC, or converse BPT theorem की पूरी statement लिखो। ठीक है, बहुत आसान है दोनों questions, question का मतलब समझ आना चाहिए बस, question का मतलब समझ आ गया, figure नहीं दी हुई है, word problem की तरह दिया हुआ है, question का मतलब समझ आ गया तो इसका solution बहुत आसान है। ओके, तो इसी के साथ question number 7 और 8 दोनों हमने एक साथ ही देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।